नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दुनिया आज तक में। दुनिया की हर बड़ी खबर इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले नजर दुनिया टॉप 10 पर। डावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक को जेलेंस्की की पत्नी ने किया संबोधित। कहा, ऐसी कोई वैश्विक समस्या नहीं जिसे दुनिया हल नहीं कर सकती। साथ ही उन्होंने कहा, यदि हमलावर नहीं हारा तो ये युद्ध और आगे बढ़ सकता है, इससे संकट और बढ़ेगा। रूसी हमलों से दबा हुए यूक्रेन के परमाणु संयंत्रों में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने फिर से शुरू किया काम। परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक राफेल मारियानो ने संयंत्रों का निरीक्षण किया। कहा, आज हम दक्षिण यूक्रेन में शुरू कर रहे हैं, अगले हफ्ते दूसरी जगह पर काम शुरू करेंगे। यूक्रेन से युद्ध के बीच रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगू ने यूक्रेन में सैनिकों के मुख्यालयों का निरीक्षण किया। यात्रा के दौरान शोइगू ने रूस के सैनिकों से मुलाकात की, युद्ध की ताजा स्थिति पर चर्चा की। बोरिस पस्टोरियन बने जर्मनी के नए रक्षा मंत्री। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज ने नए रक्षा मंत्री की नियुक्ति की पुष्टि की। बोरिस पस्टोरियन पर यूक्रेन को हथियार डिलीवरी की देखरेख की बड़ी जिम्मेदारी होगी। क्रिस्टीन लैम्ब्रेक्ट ने यूक्रेन को हथियार भेजने के मामले में इस्तीफा दे दिया था। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के चीन दौरे का चीन के विदेश मंत्रालय ने स्वागत किया। कहा, हमें उम्मीद है अमेरिका चीन के बारे में सही दृष्टिकोण अपनाएगा, टकराव के बजाय बातचीत को प्राथमिकता देगा। माना जा रहा है ब्लिंकन 5-6 फरवरी को चीन के दौरे पर जाएंगे। चीन से तनाव के बीच अमेरिकी सीनेटर टॉड यंग पहुंचे ताइवान। राजधानी ताइपे में ताइवान की राष्ट्रपति त्साई इंग्वेन से मुलाकात की। अमेरिकी सीनेटर ने ताइवान को समर्थन जारी रखने का आश्वासन दिया। राष्ट्रपति ने कहा, समान विचारधारा वाले देशों के साथ ताइवान काम करता रहेगा। वियतनाम के राष्ट्रपति ग्वेन जुआन फुक ने दिया इस्तीफा। यह निर्णय उन्होंने ऐसे समय में लिया जब उन्हें पद से बर्खास्त किए जाने की अटकलें लगाई जा रही थी। सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ने गलत कामों के उल्लंघन का जिम्मेदार पाया। फुक राष्ट्रपति से पहले पीएम के रूप में भी संभाल चुके हैं देश की कमान। डावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में अमेरिकी जलवायु दूत जॉन केरी ने उठाया क्लाइमेट चेंज का मुद्दा। कहा, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए समय नहीं धन की जरूरत। समय तेजी से निकल रहा है। कम कार्बन वाली अर्थव्यवस्था देने के लिए सिर्फ पैसे की जरूरत। ऑस्ट्रेलियन ओपन में अब इटली की टेनिस खिलाड़ी कैमिला जियोर्गी पर लगा नकली कोविड सर्टिफिकेट जमा करने का आरोप। हालांकि उन्होंने आरोप को पूरी तरह से निराधार बताया। कहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया, अलग अलग जगहों पर लगवाया था वैक्सीन। दुनिया के बोर्ड नंबर एक खिलाड़ी एंडी मरे की ऑस्ट्रेलियन ओपन के पहले दौर में शानदार जीत। रोमांचक मुकाबले में एंडी मरे ने माटियो बेरेटिनी को 6-3, 6-3, 4-6, 6-7, 7-6 से हराया। इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलियन ओपन के दूसरे दौर में पहुंचे एंडी। कैलिफोर्निया में बाढ़, बारिश, बर्फबारी मुसीबतों का अंबार ला रही है। कई लोगों के घर बाढ़ में डूब रहे हैं, कहीं बारिश के बाद भूस्खलन घरों को नुकसान पहुंचा रहा है और कहीं ऐसी बारिश के बाद आई बर्फबारी सफेद आफत बनकर घरों के अंदर लोगों को रहने को मजबूर कर रही है। कहीं बर्फबारी बन रही परेशानी तो कहीं बाढ़ ने छीना लोगों का सुख चैन। ये वो तस्वीरें हैं जिसमें एक तरफ सफेद आफत लोगों के लिए मुसीबतें खड़ी कर रही है तो दूसरी तरफ बाढ़ से उपजी चुनौतियां लोगों का इम्तिहान ले रही है। तस्वीरें अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया की हैं, जहां प्रकृति के अलग अलग रूपों के सामने इंसान बेबस नजर आ रहा है। घुटने भर पानी में खुद को बचाते ये लोग सैन डिएगो शहर के हैं। दरअसल कैलिफोर्निया राज्य के एक हिस्से में लगातार हो रही बारिश के चलते इस राज्य के कई शहर जलमग्न हैं। कहीं सड़कों पर गाड़ियां डूबी दिख रही हैं, तो कहीं पूरा घर ही बाढ़ की भेंट चढ़ चुका है। हालात ऐसे हो गए हैं कि अब लोग यहां घरों से बाहर निकलने तक में डर रहे हैं। Just because there's a lot of potholes, there's a lot of areas with, you know, water, you know, deep holes and sinkholes that you don't really see. प्रकृति मानो कैलिफोर्निया के लोगों की परीक्षा ले रही है। बारिश से जहां राज्य के एक हिस्से में लोग बचते दिख रहे हैं, वहीं इसी राज्य के ओकलैंड शहर में आया भूस्खलन कई घरों को अपना निशाना बना रहा है। बताया जा रहा है कि इस भूस्खलन की वजह भी बारिश ही है, जो मलबे की शक्ल में पहाड़ों से नीचे गिर रहा है।
अभी बारिश और भूस्खलन से लोग संभले भी नहीं थे कि इसी राज्य का एक हिस्सा बर्फीले तूफान की चपेट में आ गया। सियरा काउंटी में बारिश के बाद आई सफेद आफत लोगों को घरों के अंदर रहने पर मजबूर कर रही है। सड़कों पर कई इंच मोटी बर्फ की चादर बिछी हुई है जिससे बाहर निकलना तक दूभर हो गया है। यहाँ अब तक 21 इंच से अधिक बर्फबारी हुई है। प्रकृति के रौद्र रूप की इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है कि कैसे महत्वाकांक्षा की आड़ में प्रकृति से हो रहा खिलवाड़ खुद इंसानों पर ही भारी पड़ रहा है। आज तक ब्यूरो। खबर जर्मनी की, जो दुनिया के उन देशों में से एक है जहाँ स्की प्रेमी हर साल बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। हालांकि इस बार कम हुई बर्फबारी, पिघलती बर्फ पर्यटकों को परेशान तो कर रही, बदलते मौसम से वो व्यापारी भी चिंतित हैं जिनका व्यापार स्कीइंग पर टिका है, क्योंकि बर्फ न होने से स्कीइंग से जुड़े खेल भी रोक दिए गए। जमीन पर उतर आए बादलों की शक्लें बर्फ की वो हल्की परत है जिसकी तादाद लोगों के अरमानों पर चोट कर रही है। कभी जिन पहाड़ों पर स्कीइंग करने के लिए जगह की कमी पड़ जाती थी, आज वो पहाड़ बर्फ के बिना बेजान और सुनसान पड़े हैं। तस्वीरें जर्मनी की हैं जहां बर्फबारी की कमी लोगों को स्की के ढलानों से दूर करने का काम कर रही है। 2022 यूरोप के लिए दूसरा सबसे गर्म साल रहा। कई देशों में गर्मी के रिकॉर्ड बने तो अब यही गर्मी बर्फबारी के आड़े आ रही है। हालात ऐसे हो गए हैं कि बर्फ की कमी ने यूरोप के मशहूर कंधार वर्ल्ड कप डाउनहिल रेस तक को कैंसिल कर दिया है। हालांकि कुछ इलाके हैं जहां बर्फ भरपूर पड़ी है, मगर ये बर्फ भी रेस को शुरू करने के लिए नाकाफी है। Sehen wir stehen hier im Ziel Auslauf. Hier hätte der Athlet mehr oder weniger abgeschwungen. Es ist einfach auf lange Frist keine Wetterbesserung und auch keine Temperatur Veränderung, zumindest nicht so in Sicht, wie wir sie gebraucht hätten. कम बर्फबारी और स्की ट्रैक पर बर्फ का पिघलना न सिर्फ स्की प्रेमियों को निराश कर रहा है बल्कि स्कीइंग के सहारे चल रहे कारोबार पर भी काफी असर पड़ा है। कारोबारियों की कमाई को जबरदस्त धक्का लगा है। कृत्रिम बर्फ बनाना भी आसान नहीं, क्योंकि इसके लिए न सिर्फ 0 से 9 डिग्री नीचे के लगातार तापमान की जरूरत होती है बल्कि 1 किलोमीटर ट्रैक के निर्माण में 6,50,000 यूरो का खर्च आता है। साथ ही इसे बनाने में इतनी बिजली खर्च होती है जितना 16,000 लोग एक साल में खर्च करते हैं। जर्मनी की इन तस्वीरों से साफ है कि अब तक छोटे मोटे इशारे दे रही प्रकृति ने अपनी ओर से खतरे का सायरन बजा दिया है। अब बारी इंसानों की है कि वो कुदरत को बचाने के लिए ठोस कार्रवाई करें। आज तक ब्यूरो। दुनिया आज तक में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।